अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने घरों में होशियार आबाद होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी क्रिस्पी स्वीट टिक्कियां। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। शब बारात मुबारक इन एडवांस, तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। तो मीठी टिक्कियां बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2 कप मैदा चाहिए, 1 कप सूजी, 1 कप चीनी, 1/2 कप दूध नीम गर्म होना चाहिए, 5 से 6 चम्मच सफ़ेद तिल, 5 से 6 चम्मच कोकोनट और 5 से 6 चम्मच घी के चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हम एक बाउल में नीम गरम दूध ऐड करेंगे। एक कप चीनी ऐड करेंगे। और 5 से 6 चम्मच घी के ऐड कर देंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। दूध आप, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि चीनी हमारी बिल्कुल इसमें डिसॉल्व हो जाए। अब हम सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। मैदे में सबसे पहले सफ़ेद तिल डालेंगे, उसके बाद कोकोनट, और उसके बाद 1 कप सूजी। इसके बाद सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ये मिक्सचर ऐड कर देंगे, दूध, घी और शुगर। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम हाथों की मदद से इस मिक्सचर को अच्छे से गूंद लेंगे। बिल्कुल आटे की तरह इसको गूंदना है। दूध या घी अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छे से गूंद लेना है कि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। हमारी डो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। अब इसको 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अब हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको 2 पीसेस में कट कर लेंगे किसी भी कटर की मदद से। डो को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ को रखना है और किसी भी कटर की मदद से इसको राउंड शेप में कट कर लेंगे। ऑयल हम यहाँ पे पहले से ही गर्म करने के लिए रख देंगे। सब टिक्कियों को हमने एक ही शेप में कट कर लिया है और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे जो हमने ऑयल गर्म करने के लिए रखा था उसमें इसको अब फ्राई कर लेंगे। फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखनी है।
तकरीबन 7 से 8 मिनट होने वाले हैं और हमारी टिक्कियों का कलर चेंज हो रहा है। टिक्कियां हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं, इनका कलर बहुत ही अच्छा आ गया है। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। बिल्कुल ये गरम गरम सर्व नहीं करनी, थोड़ी सी ठंडी होंगी तो ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी। अब मैंने इनको डिश आउट कर लिया। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।